आज का हमारा टॉपिक है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। जिन एडजेक्टिव्स का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, व्हाट, विच और हुज। व्हाट का अर्थ होता है क्या, विच का अर्थ होता है कौन सा, हुज का अर्थ होता है किसका। इन शब्दों का प्रयोग हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हम इनका कब प्रयोग करते हैं, जब इनके तुरंत बाद एक नाउन का प्रयोग होता है। जब इनके बाद एक नाउन का प्रयोग होगा तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेंगे, और यदि इनके बाद कोई वर्ब का प्रयोग होता है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाट मैटर इज दिस, क्या मामला यह है। यहाँ वाट के बाद एक नाउन मैटर का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे वाट क्या हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है, वाट प्लान हैव यू मेड, क्या योजना तुमने बनाई है। यहाँ वाट के बाद एक नाउन प्लान का प्रयोग हुआ, तो वाट यहाँ पर क्या कार्य करेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। नेक्स्ट सेंटेंस है, वाट इज द मैटर, क्या मामला है। यहाँ वाट के बाद एक वर्ब इज का प्रयोग हुआ, तो वाट यहां पर काय का कार्य करेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट सेंटेंस है, वाट इज योर नेम, क्या तुम्हारा नाम है। यहां वाट के बाद एक वर्ब इज का प्रयोग हुआ, तो वाट यहां पर काय का कार्य करेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच बुक डू यू लाइक, कौन सी किताब तुम पसंद करते हो। यहां विच के बाद एक नाउन बुक का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे विच क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच बैग इज योर्स, कौन सा बैग तुम्हारा है। यहाँ विच के बाद एक नाउन बैग का प्रयोग हुआ, तो विच यहाँ पे क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच इज योर बुक, कौन सी तुम्हारी किताब है। यहाँ विच के बाद एक वर्ब का प्रयोग हुआ है इज का, तो यहाँ पे विच क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच इज योर हाउस, कौन सा तुम्हारा घर है। यहाँ विच के बाद एक वर्ब इज का प्रयोग हुआ, तो विच यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है, हुज पेन इज दिस, किसका पेन यह है। यहाँ हुज के बाद एक नाउन का प्रयोग हुआ है पेन का, तो हुज यहाँ काय का कार्य करेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, Whose clothes are you washing? किसके कपड़े तुम धो रहे हो। यहाँ whose के बाद एक प्लूरल नाउन क्लोथ्स का प्रयोग हुआ है, तो whose यहाँ काय का कार्य करेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। नेक्स्ट सेंटेंस है, whose is this toy? किसका यह खिलौना है। यहाँ whose के बाद एक वर्ब इज का प्रयोग हुआ है, तो whose यहाँ काय का कार्य करेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट सेंटेंस है, whose is this पेन, किसका यह पेन है। यहाँ हुज के बाद एक वर्ब इज का प्रयोग हुआ है, तो हुज यहाँ पर काय का कार्य करेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। तो इस प्रकार वाट, विच और हुज के बाद यदि कोई नाउन आता है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, और वाट, विच और हुज के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।